नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सीटेट। आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सीटेट में स्वागत है दोस्तों। काउंसलिंग का अपडेट आपको हम पल पल देते रहते हैं अपने दोनों यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उस पर भी और इस पर भी। आज 1 to 5 का काउंसलिंग होने वाला है बिहार के तमाम सारे जिलों में। कल 6 to 8 का हुआ था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितने जिलों में किसका किसका काउंसलिंग होने वाला है, कितनी सीट है, वो पूरा अपडेट हम आपको बता देते हैं। कल 390 में से 258 कैंडिडेट का सिलेक्ट हुआ था और आज 1 to 5 में टोटल जो सीट है 766 सीट है, जो कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, और 68 नियोजन इकाई है। तो आपको हम जिला बाई जिला करके रिपोर्ट दे देते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अररिया में देख लीजिए, 2 नगर निकाय हैं जिसमें से 28 सीटें हैं आपकी। 1 to 5 की बात कर रहे हैं आज के डेट में होने वाले काउंसलिंग का अप टू डेट। अरवल में 1 नगर निकाय है जिसमें 8 सीटें हैं। औरंगाबाद में 4 नगर निकाय में 38 सीटें हैं। बांका में 1 नगर निकाय में 17 सीटें हैं। बेगूसराय में 2 नगर निकाय में 42 सीटें हैं। भागलपुर में 1 भी नहीं है। भोजपुर में 1 भी नहीं है। बक्सर में 1 भी नहीं है। दरभंगा में 1 भी नहीं है। ये 4 जिला ऐसे हैं जहां आज काउंसलिंग 1 to 5 का नहीं होने वाला है। फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है और माननीय रंजीत सर के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जो कि आप उनके फेसबुक आईडी पे भी जाके देख सकते हैं। कौन कौन जिले में नहीं होगा, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ये 4 जिलों में अभी नहीं होगा। अभी और भी नीचे लिस्ट होगा एक-दो जिले का जहां काउंसलिंग नहीं हो रहा। अभी 4 अपडेट हम आपको दिए। पूर्वी चंपारण की बात करें तो 3 नगर निकाय में 38 सीटें हैं टोटल, यहां 38 सीट पर काउंसलिंग होगी। गया में 4 नगर निकाय में 27 नगर निकाय में 27 सीटें हैं जिसका काउंसलिंग आप करवाएगा। गोपालगंज में आज नहीं होगा काउंसलिंग। जहानाबाद में भी आज काउंसलिंग नहीं होगा। अगर जाने से पहले ये जरूर आप देख लीजिएगा कि ये 2 जगह आपका काउंसलिंग नहीं होगा। पहले हमने कहां बताया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, फिर ऊपर से आज गोपालगंज और जहानाबाद में काउंसलिंग नहीं होगा। जमुई की बात करें तो 1 नगर निकाय में 4 सीटें हैं। कैमूर में भी आज आपका काउंसलिंग नहीं होगा। कटिहार की बात करें तो 3 नगर निकाय में 29 सीटें हैं टोटल। किशनगंज की बात करें तो 3 नगर निकाय में 14 सीटें हैं। खगड़िया की बात करें तो 2 नगर निकाय में 10 सीटें हैं। लखीसराय में भी आज आपकी काउंसलिंग नहीं होगी 1 to 5 की। मधेपुरा की बात करें तो 2 नगर निकाय में 34 सीटें हैं। मधुबनी की बात करें तो 3 नगर निकाय में 6 सीटें हैं। मुंगेर की बात करें तो 1 नगर निकाय में 30 सीटें हैं दोस्तों। 1 नगर निकाय है और 30 सीट यहां पे अवेलेबल है, यानी कि अच्छे खासे कैंडिडेट का यहां सिलेक्शन हो सकता है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो आज 1 भी कैंडिडेट का नगर निकाय का काउंसलिंग नहीं होने वाला है 1 to 5 का। नालंदा की बात करें तो 2 नगर निकाय में 48 सीटें हैं, सबसे ज्यादा यही सीट लग रही है अब तक का। नवादा की बात करें तो नवादा में भी काउंसलिंग नहीं होने वाला है। पटना की बात करें तो 7 नगर निकाय में 65 सीटें हैं, 7 नगर निकाय में 65 सीटें हैं दोस्तों। पूर्णिया की बात करें तो 3 नगर निकाय में 77 सीटें हैं, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा 3 नगर निकाय और 77 सीटें। रोहतास जिला की बात करें तो 4 नगर निकाय में 22 सीटें हैं। सहरसा की बात करें तो 2 नगर निकाय में 8 सीटें हैं। समस्तीपुर की बात करें तो 1 नगर निकाय में 6 सीटें हैं आपको दिखाई दे रहा है। समस्तीपुर की बात करें तो 1 में 6 है। शेखपुरा की बात करें तो 1 में 24 है, 1 नगर निकाय में 24 सीटें हैं, वो भी कहां की, शेखपुरा की। शिवहर की बात करें तो 1 सीट पे 1 नगर निकाय में 7 सीटें हैं। सीतामढ़ी की बात करें तो 3 नगर निकाय में 55 सीटें आपको टोटल दिखाई दे रही है। सारण की बात करें तो 1 नगर निकाय में 3 सीटें हैं। सिवान की बात करें तो 3 नगर निकाय में 6 सीटें हैं। सुपौल की बात करें तो 1 नगर निकाय में 3 सीटें हैं। और वैशाली की बात करें तो 3 नगर निकाय में 63 सीटें टोटल आपको दिखाई दे रहा है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो 4 नगर निकाय में 54 सीटें आपको टोटल दिखाई दे रहा है। तो इन जिलों में आपका काउंसलिंग होगा। टोटल 68 नगर निकाय हैं। 68 टोटल निकाय नगर निकाय मिलाने के बाद जो टोटल अपडेट आ जाते हैं वो 766 कैंडिडेट, यानी कि 766 सीट आज 766 सीट पे आज काउंसलिंग होगी। और कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो शाम को 6 बजे हम आपको रिपोर्ट देंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन से जिले में काउंसलिंग नहीं हो रही है। याद रखिएगा, अगर उस जिले में आपका जाना है तो सोच लीजिए उस जिले में जाने से पहले।
भागलपुर में आपकी काउंसलिंग नहीं है, भोजपुर में नहीं है, बक्सर में नहीं है, दरभंगा में नहीं है, फिर गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नवादा, कितने सीटें हो गई और कितने जिले हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 जिले ऐसे हैं जहां काउंसलिंग आज नहीं हो रहा है। ये सारे जिले को अपडेट हमने दिया दोस्तों। अगर आप पटना जा रहे हैं तो 11 बजे से पहले आपको वहां पहुंचना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पटना जिला का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जिले का अपडेट मेरे पास नहीं है दोस्तों, और भी जिले का अपडेट आएगा रजिस्ट्रेशन का तो वो हम जरूर बताएंगे। अगर हो रहा है तो हम यही कहते हैं कि ससमय आप निकलिए, कहाँ बरसात होगा, कहाँ पानी होगा, क्या रास्ता, आप ससमय वहाँ पहुंचिए और काउंसलिंग की व्यवस्था कीजिए। जैसे ही सिलेक्शन होगा आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपका नंबर मेरे पास है ही है, लेकिन आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा हमें, सर मेरा काउंसलिंग हो गया है, मेरा ज्वाइनिंग यहाँ पे हो गया है, तो हमें भी खुशी होगी और हम भी दोस्तों को बताएंगे कि मेरा भी एक दोस्त है, उनका सिलेक्शन हो गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना हेल्पफुल रहा है वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज शाम को फिर एक वीडियो लेके आएंगे, इस बीच में बहुत सारा वीडियो आता रहेगा काउंसलिंग अपडेट को लेकर, लेकिन शाम का फिर एक वीडियो लेके आएंगे कि क्या अपडेट है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।